हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप भी इस समय पर एक बेस्ट 5G फोन परचेज करना चाहते हैं अंडर 20,000, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वैसे तो दोस्तों 20,000 के नीचे काफी सारे 5G फोन आपको मिल जाएंगे, बट मैं आपको टॉप 5G फोन के बारे में बताने वाला हूँ जिनमें आपको अच्छे 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों 5G फोन परचेज करने का तभी बेनिफिट है जब फोन के अंदर ज्यादा 5G बैंड्स का सपोर्ट हो, इसलिए हमने उन्हीं 5G स्मार्टफोन को रखा है जिनमें हमें अच्छे 5G बैंड्स का सपोर्ट तो देखने को मिल ही जाते हैं, इसके साथ ही बाकी के फीचर्स भी काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि बड़ी सी बैटरी, NFC को चार्ज करने के लिए 55 वोल्ट तक का फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी देखने को मिल जाएगी विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। और ये सारे ही 5G फोन हैं, तो इन सभी में काफी अच्छे गेमिंग परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाएंगे एंड 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप भी देखने को मिल जाएंगे। तो फीचर्स आपको नो डाउट काफी तगड़े देखने को मिलने वाले हैं इन 5 स्मार्टफोन में, क्योंकि हमने आपके लिए काफी ज्यादा रिसर्च किया है इस वीडियो के लिए। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। तो दोस्तों, हमने इन 5 स्मार्टफोन को ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पर रैंकिंग किया है, तो हम शुरू करने वाले हैं नंबर 5 से और लास्ट में हम नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। तो नंबर 5 पर हमने रखा है Realme 8s 5G को। वैसे ये फोन कुछ दिनों पहले ही लॉन्च हुआ है, स्पेशली दोस्तों इस फोन में आपको काफी तगड़े परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएंगे प्राइस के अकॉर्डिंग। वन ऑफ द बेस्ट 5G गेमिंग फोन है अंडर 18,000। चलिए आपको डिटेल में बताते हैं कि Realme 8s 5G में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। शुरुआत करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है लेकिन मैट फिनिशिंग के साथ आता है, तो ओवरऑल डिजाइन काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। 8.8 mm की थिकनेस एंड 191 ग्राम का वेट के साथ आता है, तो ओवरऑल डिजाइन फैक्टर काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। बाकी बैटरी के बारे में बात करें तो 5000 mAh की बैटरी NFC को तेजी से चार्ज करने के लिए 33 वॉट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, तो अराउंड 1 घंटे के आसपास फुल चार्ज हो जाती है इस फोन की बैटरी, तो काफी अमेजिंग बात हो जाती है। एंड्रॉइड 11 के साथ आता है बेस्ड ऑन Realme UI 2.0, ट्रिपल स्लॉट के साथ आता है, तो 2 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे अप टू 1 TB तक। कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा रियर साइड में, प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो कि ये नहीं बताया गया कि किस कंपनी का है, सैमसंग का या फिर सोनी का है। सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि डेप्थ सेंसिंग के लिए आता है, और थर्ड कैमरा भी 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा जो कि पोर्ट्रेट लेंस के लिए है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा देखने को मिलता है जो कि सैमसंग की तरफ से सेंसर आता है। बाकी फ्रंट एंड रियर दोनों ही कैमरे से 1080p में 30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। रियर कैमरे में 20x का डिजिटल जूम सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, तो कैमरा के मामले में ये फोन डिसेंट है, अल्ट्रा वाइड कैमरा भी नहीं है। 6.5 इंचेस का फुल HD प्लस IPS पैनल देखने को मिलेगा एंड 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है एंड 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी दिया गया है। मेरे ख्याल से 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होना चाहिए था। बाकी 600 nits तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं इस फोन के बिग हाइलाइटिंग फीचर्स के बारे में, जो कि है इस फोन का परफॉर्मेंस। तो MediaTek Dimensity 810 का 5G चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि 800U का सक्सेसर है। अंतुतु स्कोर के बारे में बात करें तो 380,000 के आसपास देखने को मिल जाती है, जो कि 10% ज्यादा स्कोर है 800U से। और ये प्रोसेसर 6nm पे बेस्ड है, मतलब बैटरी एफिशिएंसी काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। बाकी इसमें आपको वर्चुअल रैम एक्सपेंशन का भी ऑप्शन दिया गया है, अप टू 5GB तक रैम बढ़ा पाएंगे, लेकिन ये सिर्फ 8GB रैम वेरिएंट वाले स्मार्टफोन में ही काम करेगा। और इसमें आपको 7 5G बैंड्स देखने को मिल जाते हैं, तो काफी सही बात हो जाती है, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था जिसमें हमें ज्यादा 5G बैंड्स देखने को मिलते हैं उन्हीं स्मार्टफोन को हमें परचेज करना चाहिए एंड ऑल्सो फीचर्स भी अच्छे होने चाहिए। चलिए बात करते हैं प्राइस कितनी है। तो 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के लिए 17,999 रुपए पे करने होंगे, बाकी बैंक ऑफर देखने को मिल जाएंगे तो 17,000 के अराउंड ये फोन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये फोन उन यूजर्स के लिए है जिनको परफॉर्मेंस सेंटर के स्मार्टफोन चाहिए विद 5G कनेक्टिविटी। बाकी कैमरा इस फोन का बिल्कुल डिसेंट है, चेकआउट कर सकते हो, बेस्ट बाय लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नंबर 4 पर हमने एक नॉन चाइनीज 5G फोन को रखा है, और इस फोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी F42 5G। वैसे तो ये फोन इस लिस्ट का सबसे नया 5G फोन है एंड सैमसंग का फोन है, तो इसमें आपको सबसे ज्यादा 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे। इसे आप फ्यूचर प्रूफ 5G फोन भी कह सकते हो। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि गैलेक्सी F42 5G में हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। शुरुआत करते हैं लुक्स और डिजाइन से, बिल्ड क्वालिटी से। तो पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिलेगी, प्रीमियम सा डिजाइन देखने को मिल जाता है, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज किया गया है, 9mm की थिकनेस एंड 203 ग्राम वेट के साथ आता है। इसमें आपको ट्रिपल स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है, मतलब 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, अप टू 1 TB तक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे, जो कि काफी अच्छी चीज है। इसके साथ ही साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। एंड्रॉइड 11 के साथ आता है बेस्ड ऑन One UI 3.1।
डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो 6.6 इंचेस की फुल एचडी प्लस 90 हर्ट्ज वाला आईपीएस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी दिया गया है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है, हालांकि ये नहीं पता कि कौन सा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है इस पर, तो डिस्प्ले वाइज ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। हालांकि एमोलेड पैनल होता तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिल जाएगा इसमें। मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 5G चिपसेट के साथ आता है, जो कि 7nm पर बेस्ड है और 300,000 के आसपास अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाती है। डे टू डे लाइफ में और गेमिंग परफॉर्मेंस में किसी भी तरह का इशू नहीं मिलेगा। सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर के साथ आता है और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें आपको 12 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। कैमरा सेटअप के बारे में बात कर लेते हैं तो ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है। प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का है, जो कि सैमसंग का सेंसर है। सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है। और थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो कि डेप्थ सेंसिंग के लिए आता है। फ्रंट में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, जो कि मुझे स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग लगा। एटलीस्ट 13 या फिर 16 मेगापिक्सल का कैमरा होना चाहिए था। बाकी रियर कैमरे से 2K तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS में, और फ्रंट से 1080p में 30 FPS तक वीडियो शूट कर पाएंगे। बाकी बैटरी के बारे में बात करें तो 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी दी गई है। NFC को चार्ज करने के लिए वही 15W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और ये चार्जर आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्राइस कितनी है। तो 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के लिए 21,000 रुपए पे करने होंगे, एंड ऑफर्स वगैरह मिलाकर ये फोन आपको 20,000 के नीचे मिल जाएगा। तो डेफिनेटली अगर आपको सैमसंग की तरफ से एक बेस्ट परफॉर्मेंस वाला, ज्यादा 5G बैंड्स वाला, या एक अच्छा सा गुड लुकिंग स्मार्टफोन चाहिए, या फिर भरोसेमंद कंपनी का एक 5G फोन चाहिए अंडर 20,000, तो इस फोन को परचेज कर सकते हो। और दोस्तों नंबर 3 पर हमने वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल 5G फोन को रखा है अंडर 20K, तो इस फोन का नाम है IQ G3 5G। हालांकि थोड़ा सा पुराना फोन है ये, लेकिन 20,000 के नीचे सबसे ज्यादा ये वाला फोन बिकी है। काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। इस फोन में स्नैपड्रैगन 768G का चिपसेट देखने को मिलेगा। गेमिंग प्रोसेसर है, जो कि बेस्ड है 7nm पे, तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, जिसकी अंतुतु स्कोर की बात करें तो 4,50,000 के आसपास देखने को मिल जाती है, जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं स्नैपड्रैगन 855 प्लस से। तो परफॉर्मेंस में आपको किसी भी तरह का इशू देखने को नहीं मिलेगा, और वैसे भी ये 5G चिपसेट है। और इस फोन की बैटरी की बात करें तो 4400 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस फोन में आपको 55W का चार्जर देखने को मिलेगा, तो 50 मिनट के आसपास फुल चार्ज हो जाएगा इस फोन की बैटरी। और इस फोन में 5-layer कूलिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिससे ये फोन जल्दी से हीट नहीं होगा। और इस फोन में आपको UFS 2.2 का स्टोरेज भी देखने को मिलेगा, तो काफी फास्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और डिस्प्ले की बात करें तो 6.58 इंचेस का फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, लेकिन आईपीएस पैनल के साथ आता है। कैमरा सेटअप की बात करें तो ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा। प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, जो कि 10x डिजिटल जूम भी सपोर्ट करता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड के लिए देखने को मिलेगा, और 2 मेगापिक्सल का बोके कैमरा देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, और इस फोन के बैक कैमरे से 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी 60 FPS तक। हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है, और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। इस फोन में भी पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिलेगी, और वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगा, तो यहाँ से थोड़ा सा डाउनसाइड लग सकता है। प्राइस की बात करें तो 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के लिए 19,999 रुपए पे करने होंगे, एंड इस प्राइस के हिसाब से डेफिनेटली इस फोन को आप कंसीडर कर सकते हो, अगर आपको एक बेस्ट परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन चाहिए, साथ में 55W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी चाहिए, 120Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले चाहिए, ऑल दो बाकी के फीचर्स भी काफी अच्छे हैं, चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं एक ऐसे 5G स्मार्टफोन के बारे में, जिसमें हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इस फोन का नाम है Realme X7 5G। अब ये फोन भी थोड़ा सा पुराना है, बट स्टिल अपने प्राइस पॉइंट को अभी भी जस्टिफाई करता है। ये एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। चलिए जानते हैं कि इस फोन में हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि इस फोन का डिजाइन काफी अच्छा देखने को मिलता है, और डिस्प्ले भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। 6.43 इंचेस का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलेगा, तो काफी सही बात हो जाती है। 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी दिया गया है, और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U का 5G चिपसेट देखने को मिलेगा, तो परफॉर्मेंस काफी अच्छा निकल के आता है, तो किसी भी तरह का इशू देखने को नहीं मिलेगा गेमिंग वगैरह में। 4310 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, लेकिन 50W का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, तो
अराउंड 40 से 50 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाएगा इस फोन की बैटरी, तो काफी सही बात हो जाती है। कैमरा सेटअप की बात करें तो ट्रिपल लेयर कैमरा देखने को मिलेगा, प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का दिया गया है, सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए आता है, और थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा जो कि बोके इफेक्ट के लिए दिया गया है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा देखने को मिलता है, तो काफी सही बात हो जाती है। रियर कैमरे से 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, तो ये फीचर काफी अच्छा लगा मुझे। हाई रेस ऑडियो देखने को मिल जाएगा, तो ऑडियो क्वालिटी भी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, एंड्रॉइड 10 के साथ आता है। बाकी पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिलेगी, लेकिन डिजाइन वगैरह काफी सही देखने को मिल जाते हैं। और ये फोन हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है, हालांकि इस फोन में आपको 3.5mm जैक देखने को नहीं मिलेगा, तो इस बात का ध्यान रखना। प्राइस की बात करें तो 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए 19,999 रुपये पे करने होंगे। बैंक ऑफर वगैरह इस पे भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको एक बेस्ट कॉम्बिनेशन 5G स्मार्टफोन चाहिए अंडर 20,000, तो इस फोन को डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 50W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, डायमेंसिटी 800U का 5G चिपसेट देखने को मिल जाता है, तो ओवरऑल काफी अच्छा पैकेज बन जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपने लास्ट स्मार्टफोन के बारे में। तो दोस्तों, नंबर 1 पर हमने रखा है मोटो S20 फ्यूजन को। अब इस फोन को नंबर 1 पर रखने का ये रीजन है कि इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा, साथ में ही सबसे ज्यादा 5G बैंड्स का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, 13 5G बैंड्स का सपोर्ट है। हालांकि बाकी के फीचर्स भी काफी जबरदस्त है, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। शुरुआत करेंगे लुक्स और डिजाइन से, बिल्ड क्वालिटी से। तो इस बार आपको डिजाइन वगैरह काफी अच्छा देखने को मिलेगा। इससे पहले हमें मोटो के फोन काफी थिक देखने को मिलते थे, मोटे होते थे, बट इस बार मोटोरोला ने काफी अच्छा डिजाइन दिया है, काफी स्लिम डिवाइस है। हालांकि 8.2mm की थिकनेस देखने को मिल जाती है, पॉली कार्बोनेट बॉडी देखने को मिलती है, लेकिन प्रीमियम डिजाइन देखने को मिलेगा। बैटरी के बारे में बात करें तो 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, और उसी को तेजी से चार्ज करने के लिए 30W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अराउंड 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाती है इस फोन की बैटरी, तो काफी कमाल की बात हो जाती है। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो डायमेंसिटी 800U का 5G चिपसेट देखने को मिलता है, जिसकी अंतत स्कोर की बात करें तो 3,50,000 के अराउंड देखने को मिल जाती है। हालांकि ये प्रोसेसर हमने ऑलरेडी काफी सारे स्मार्टफोन में देख लिया है, तो परफॉर्मेंस हम जानते हैं, काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। और गाइज, इस फोन में हमें 13 5G बैंड्स देखने को मिलता है, तो काफी कमाल की बात हो जाती है। तो अगर आपको एक फ्यूचर प्रूफ 5G फोन चाहिए, तो ये फोन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। इसी के साथ इस फोन में हमें UFS 2.2 का स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है, तो समझ सकते हो परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहने वाला है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, हालांकि एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है, तो एक सिम या फिर एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, प्राइमरी सेंसर 108MP का दिया गया है, सेकंड कैमरा 8MP का देखने को मिल जाएगा जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है, और थर्ड कैमरा 2MP का दिया गया है जो कि डेप्थ सेंसिंग के लिए है। फ्रंट में 32MP का कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि पंच होल कटआउट के साथ आता है। रियर कैमरे से 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। इसी के साथ स्लो मोशन और बहुत सारे कैमरे फीचर दिए गए हैं, तो कैमरा वाइज काफी अच्छा रहने वाला ये फोन, बहुत सारे कैमरा फीचर देखने को मिल जाते हैं। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो डिस्प्ले काफी अमेजिंग देखने को मिलता है, 6.67 इंच का फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, HDR10 सर्टिफाइड है, और 10-bit वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो इस फोन का डिस्प्ले का कलर काफी वाइब्रेंट देखने को मिलेगा, काफी कॉन्ट्रास्ट डिस्प्ले दिया गया है, और 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, तो स्मूथनेस वगैरह भी काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड 11 के साथ आता है, और क्लीन सा UI देखने को मिलेगा, नियर स्टॉक एंड्रॉइड। 2 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट भी देखने को मिल जाएगा, मतलब एंड्रॉइड 12 और एंड्रॉइड 13 भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि प्राइस कितनी है। तो 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए 21,499 रुपये पे करने होंगे, लेकिन बैंक ऑफर वगैरह अप्लाई कर देते हो तो ये फोन आपको 20,000 के नीचे ही देखने को मिल जाएगा। तो 20,000 के नीचे इससे अच्छा डील देखने को नहीं मिलेगा, काफी अच्छा स्मार्टफोन है मोटो की तरफ से, जरूर से चेकआउट कर सकते हो। हाँ, तो दोस्तों यही थे इस समय के कुछ बेस्ट 5G स्मार्टफोन अंडर ₹20,000। इन पांचों में से आप किसी को भी परचेज कर सकते हो अपने यूजर्स रिक्वायरमेंट एंड बजट के हिसाब से। बाकी आप मुझे बताओ कि आपको इन पांचों में से सबसे अच्छा कौन सा लगा, और आप कौन सा परचेज करने की सोच रहे हो। और अभी भी आपका कुछ डाउट रह गया है तो इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, इंस्टेंटली रिप्लाई मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।